यस, तो आज हम सीखने वाले, अभी हमें पता चल चुका है कि इसमें हम लोग एनिमेशन भी बना सकते हैं, म्यूजिक. तो अब फाइनली हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ गेम. सो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट हम देख लेते हैं हमने क्या बनाना है. सो इट मेक यू, यस ये आप कर सकते हो, यस. एंड इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आप, खुद का प्रोग्राम प्रोजेक्ट बना सकते हो गेमिंग पे, डिफरेंट आप खुद प्रोग्राम बना सकते हो. एंड आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ब्लॉक यूज करना है एंड सिंपली आपको स्क्रिप्ट एरिया में असाइन करना है एंड यू आर द नेक्स्ट. यू कैन क्रिएट योर ओन गेम, गेमिंग ओवर हियर. सो लेट्स चेक आउट हमने इसको कैसे करना है. सो किस तरीके स्क्रिप्टिंग करनी है इस पे, स्क्रिप्ट एरिया में कौन से ब्लॉक यूज करना है, तो विल चेक आउट. तो सबसे पहले अगेन वी हैव टू गो टू, विल गो टू टॉप मोस्ट फाइल, क्लिक ऑन फाइल एंड फर्स्ट लेट मी स्टॉप दिस. तो फाइल में जाएंगे हम न्यू टॉप मोस्ट में एंड न्यू में आई टेक अ न्यू पेज एंड विल स्टार्ट कि हमने कैसे लेना है. तो अगेन यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट है राइट साइड यूज करना है लेफ्ट साइड एंड स्क्रिप्ट एरिया हमारा है दिस इज अ स्क्रिप्ट एरिया स्टेज, दिस इज अ राइट साइड, दिस इज अ लेफ्ट साइड. तो सबसे पहले मैं स्टेज के बिलो जाऊंगी, पहले ये कैरेक्टर आउट करूंगी बिकॉज आज हम सीख रहे हैं कि हाउ टू बाउंस अराउंड द बॉल. तो आई जस्ट वॉन्ट कि बॉल बाउंस करेगा, वॉट आई गिव इंस्ट्रक्शन वो वैसे ही करेगा. तो लेट्स चेक इट आउट. तो सबसे पहले हम जाएंगे राइट साइड में, आई विल चूज वन बैकग्राउंड. तो मैं बैकड्रॉप चूज करूंगी नियॉन, जैसे कि मुझे नाम पता है तो इसलिए आई गो डायरेक्टली एंड विल क्रिएट एंड चूज अ स्प्राइट. तो अभी हम कैरेक्टर है तो मेरा कैरेक्टर बॉल है सिंपल, तो यहाँ पे दिख रहा है तो सिंपली विल टेक दिस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बना रहे हैं बाउंस अराउंड, तो गेम के रिलेटेड है. तो अभी हम गेम के इधर स्टेप मूव ऑन हो रहे हैं, तो अब हमें इसमें सीखना है इसको कैसे बनाना है एंड करना है. सो विल यूज दिस बाउंस अराउंड. ओके Junior, so abhi get ready with your notebook and note down the code which I'm going to share you now. Ab jaise ki humne backdrop choose kar liya, then we choose a character from the right side. Ab main ja rahi hu mere left side mein and I will choose, hamesha maine kaha event. Event is a prior. हमको ये लेना है when green flag click. मैंने drag किया, drop किया मेरे script area में, ये मैंने कर लिया है. अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बॉल है वो मोशन में जाना है क्योंकि मैं गेम बना रही हूँ कैसे बाउंस होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ वो टर्न 15 डिग्री हो. आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस एंड आई वांट कि वो अब मूव होना चाहिए, राइट. सो आई विल टेक अ मूव स्टेप. अभी यहाँ पर ये इस चीज को मैं आपको करके बताऊंगी क्या डिफरेंस आता है. 10, 15 हम नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्पीड होती है, बट अभी हम उसको लाइव देखेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड. एंड मैं चाहती हूँ कि आई वांट कि ये अब इसमें हम नया एक सीखेंगे, इफ नो एच बाउंस ये कोड यूज करना है देन ओनली विल प्ले अ प्रॉपर वे. तो अब मैं इसमें चाहती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि गेमिंग है अभी कंटिन्यू में चाहिए ये. So I will go simply and I will take a loop and I will choose. तो मैं चाहती हूँ जैसे वो turn हो जाए and then it continue play with. आप music भी डाल सकते हैं but उसका फिर music बहुत speed में हो जाएगा and then अभी हम play करेंगे. तो पहले मैं moves 10 step का दिखाती हूँ कि क्या होता है. So when I तो यहाँ पर आपका large number of टू मूव फास्टर करना है तो यू कैन टेक अ बिगर नंबर ऑल्सो हियर, और आप चाहते हैं कि स्लो, तो मैं पहले 10 का दिखा देती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ऑलरेडी ले लिया व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, सिंपली क्लिक. तो देखिए इफ आई चूज मूव 10 स्टेप्स तो इस तरीके से होता है, इट विल मूव इन दिस वे. सो आई सिंपली स्टॉप, आई विल शो यू द डिफरेंस इफ आई टेक अ लार्जर नंबर ऑफ हियर. सो वॉट विल यू फाइंड, सी द स्पीड. ओके सो दिस इज व्हाट हैपनिंग गोइंग टू बी हैपन, ये अपनी स्पीड चेंज कर लेगा सिंपली, देन सी, तो अपनी स्पीड चेंज कर लेगा.
अगर आपको चाहते हो कि इस तरीके से, तो आपको चूज करना है कि कहाँ से अपलोड, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्स एंड वाई एरिया नहीं कंसिडर लिया है इसमें, क्योंकि इस गेमिंग बनाने का भी आपके अकॉर्डिंग है कि एक्स एंड वाई किस पोजिशन में डाले, यू जस्ट सिंपली पुट ऑन, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी समझ लिया है। तो अब हमने इसमें नया सीखा है इफ नो एज बाउंस, तो वो शुड नॉट बी बाउंस इन द एज ऑफ इट, दैट्स वाई वी हैव यूज दिस कोड ओवर हियर, एंड किस तरीके से लूप को यूज करना है ताकि वो कंटिन्यू में दिखे। सो है ना इंटरेस्टिंग। तो अब हम इसमें और एक चीज सीखेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी हियर, इसको स्टॉप कर। सो अभी हमने सीख देख लिया है कि कैसे हम एक बॉल को बाउंस करते हुए हमने देखा था। अब मैं बताती हूँ कि आपको गेम में और कैसे ऐड करने हैं। तो स्टेप टू में जाते हैं। स्टेप वन में हमने बेसिक थिंग थे देखा कि वो कुछ नए कोड्स हमने कैसे जो ब्लॉक्स थे वो नए यूज़ किए हमने उसमें। अभी यहाँ पर भी हम डिफरेंट एक नया ऐड ब्लॉक सीखने वाले हैं कि कौन सा यूज़ करेंगे एंड देन सी कि क्या होता है। सो दिस इज अभी आप देखिए। सो एक्चुअली मैं जहाँ माउस पॉइंटर, अब देखा आपने ये गेम खेला भी होगा, जब भी आपको बॉल आते थे आप इस तरीके से बाउंस करने देते थे, जहाँ पर बाउंस है नीचे नहीं गिरने देते थे। तो ये आपने गेम ऑलरेडी, ये आप कैसे बना सकते वो अब हम सीखने वाले हैं फाइनली। सो है ना इंटरेस्टिंग कि पहले हमने देखे बाउंस कैसे बॉल करना है, पर अब चाहते हो कि इसको गेम ओवर, गेम स्टार्ट हम खुद बना सकते हैं। आप गेम स्टार्ट, टाइमिंग, स्कोर सब बना सकते हैं हम खुद से। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि बॉल जब आएगी तो कैसे मैंने ये यूज़ करना है, मूव द पैडल्स, बिकॉज मूव द पैडल्स विल हेल्प यू टू प्ले अ गेम। तो हम ये ऐड कैसे करेंगे आज हम इसमें सीखेंगे। सो यू आर रेडी? तो अब हम इसको कैसे यूज़ करना है अब वो देखेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो अगेन अब इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ और अभी समझ लिया कि हमने इसको कैसे करना है। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले सिंपली आई विल गो टू माई टॉप मोस्ट फाइल पे क्लिक, न्यू फाइल एंड आई टेक इट। सो अब मैंने क्या आज सिखाने वाली हूँ, मूव द पैडल। अभी मूव द पैडल हमें कैसे करना है, तो एम ओ वी ई पर हम टाइटल देंगे एंड टॉप मोस्ट में जाके टाइटल देंगे मूव द पैडल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। So you must be excited. So again, juniors, get ready with your books and start writing the commands over here. And now, तो अब मैंने title दे दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँगी stage के below and I will remove this character, I will delete this character because हम game सीख रहे हैं, अभी हम animated part नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ये कर लिया, आई विल चूज माय स्प्राइट एंड बैकड्रॉप। तो सबसे पहले मैं बैकड्रॉप चूज करूंगी। आई सिंपली क्लिक एंड मेरा नियॉन ही बैकड्रॉप रहेगा बिकॉज मैं इस पे ही गेम बताने वाली हूँ आपको। ओके, नाउ अब मेरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। आई विल चूज पैडल ओवर हियर। तो इसका नाम पैडल है, तो आई सिंपली सी हियर आई गॉट इट। ओके, सो आई विल प्लेस इट, आई विल प्लेस हियर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये सेटअप करूँ तो यहाँ पर वो प्ले हो। नाउ तो मैंने राइट साइड से चेंज माय बैकड्रॉप एंड आई चेंज माय, आई चूज द स्प्राइट एंड बैकड्रॉप। नाउ आई एम मूविंग टू द माय लेफ्ट साइड एंड माय लेफ्ट साइड में जाके कोड दूंगी एंड आई विल यूज दिस ब्लॉक्स एंड सबसे पहले इवेंट। सिंपली आई क्लिक ऑन माई लेफ्ट साइड में गई, मैंने कोड में जाके आई चूज इवेंट एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन माई स्क्रिप्ट एरिया। तो थोड़ा हम ये छोटा सा ही स्क्रिप्टिंग है तो हम इसको बड़ा कर लेते, सो इट विल बी इजी इज विजिबल टू यू ऑल। सो नाउ अब मैंने चूज कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये देखिए अब खुद से हो रहा है, नो मुझे उसको सेटअप देना है, कमांड देना पड़ेगा कि व्हेन आई यूज माउस तो इट शुड मूव जहाँ भी लेके जाऊँ ये माउस के थ्रू, क्योंकि मेरा बॉल जब आएगा तो आई जस्ट नीड टू हैंडल। ये गेम हम ऑलरेडी खेल चुके हैं, अब हम बनाने सीख रहे हैं एंड आप खुद के प्रोग्राम करके गेम बना सकते हो। तो अब मैं विल चूज कंट्रोल एंड आई वॉन्ट कि फॉर एवर होता जाए, क्योंकि जो भी मैं दूंगी इस तरह को कंटिन्यू में होना चाहिए। तो विल चूज दैट एंड अगेन विल गो टू द विल सेट एक्स ओवर हियर सो दैट इट्स गो सिंपली वे। तो हम लोग अभी इसमें सेट एक्स लेंगे एंड इज हियर। सो आई जस्ट सिंपली टुक दिस
एंड आई वॉन्ट टू चेंज. अब मैं इसमें एडिशन चीज लगा रही कि ये नंबर दिया है, अब मैं नंबर तो नहीं दे रही, मैं इसको कमांड दूंगी कि मुझे माउस के पॉइंटर से इसको हिलाना है कि जब बॉल आएगी तो जस्ट आई कैन हैंडल. तो वो कैसे, तो अब हम नया सेंसिंग, ये जो कोड हमने देखा है ब्लॉक, ये हमने कभी यूज नहीं किया, तो अब हम ये यूज करें. तो मैंने बोला सेट एक्स टू माउस एक्स. अब जब मैं माउस एक्स दे रही हूँ तो ये कमांड लेगा कि माउस एक्स से प्ले करना है. तो देखिए सी माउस एक्स क्यों लिया, क्योंकि आई विल यूज दिस, जब बॉल आए तो आई विल मैनेज एंड इट शुड नॉट टच द फ्लोर. सो दिस इज वे, है ना सिंपल. सो दिस इज, सो मीन्स ऑलमोस्ट आप क्लोज हो चुके हो हाउ टू क्रिएट अ गेम. सो दिस इज अ वे, आपको इस तरीके से प्रोग्राम जो ब्लॉक्स है उनको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया एंड यू द मास्टर इन द गेमिंग. तो हमने म्यूजिक एनिमेटेड एंड गेमिंग. So this is the complete hub where you can create and you can share with your community and you get reviews and more to more idea. जितने देखोगे दूसरों के games and also you get idea कि मैं और क्या यहाँ पर block use करूँ, so that अब इसमें आप बहुत कुछ add कर सकते हैं. तो ये एक सिर्फ एक beginners point of view से ये कैसे steps हैं हमने वो सीखे हैं, and then we'll learn how to create a complete program. Okay guys, I see you in the next class, जिसमें हम नया प्रोजेक्ट सीखेंगे.